नमस्कार दोस्तों, कबीर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास जो है, इतिहास को आप दो तरह से जान सकते हैं। इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं, एक जो है लिखित साक्ष्य हो और दूसरा जो है पुरातत्व साक्ष्य हो, पुरातात्विक साक्ष्य। तो इतिहास को आप दो तरह से जान सकते हैं। इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं, एक लिखित साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य के आधार पे भारत के इतिहास को समय विवरण के बारे में आज हम देखेंगे। इसके बाद जब अगला वीडियो हमारा बनेगा तो उसमें हम लोग विस्तार से उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है साक्ष्य के आधार पे। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों पाषाण काल भी बोलते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, पाषाण का मतलब दोस्तों होता है पत्थर, यानी ये पत्थरों का काल है। जिस समय में केवल पत्थरों का उपयोग होता था, पत्थरों के औजार हुआ करते थे। तो हमने बताया आपको कि इसको यानी दो तरह से आप जान सकते हैं, एक लिखित साक्ष्य हो और दूसरा जो है पुरातात्विक यानी खुदाई साक्ष्य हो। तो ये लिखित साक्ष्य इस काल में नहीं मिलते हैं, हालांकि हम विस्तार से जब अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल दोस्तों अज्ञात काल से 8000 BC तक माना जाता है, यानी 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल आपका 8000 BC से 4000 BC तक माना जाता है। नवपाषाण काल दोस्तों 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक माना जाता है। तो ये पाषाण काल को तीन भागों में कन्वर्ट किया गया है। तो इसको हम अलग-अलग वीडियो में अच्छे से जानकारी लेंगे, अभी तो हम केवल समय विवरण के बारे में देख रहे हैं। तो भारत का इतिहास जो है दोस्तों, पहला तो प्रागैतिहासिक काल हो गया, दूसरा हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों इसमें आद्य ऐतिहासिक काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व यानी BC तक माना जाता है। इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत से लोग जो है, क्योंकि देखिए दोस्तों इतिहास जो है 100% जो है इतना पुराना इतिहास जो है एकदम 100% सही नहीं हो सकता। समय के विवरण में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बहुत सारे इतिहासकार जो है 2300 से जो है 1700 ईसा पूर्व मानते हैं, बहुत सारे लोग 2300 से जो है 1750 मानते हैं, कुछ जो है 2500 से 1500 मानते हैं। तो हम जो है इसको 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक आप आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता होता है। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक काल में जो है आपके ताम्र पाषाण तांबे का भी प्रयोग होने लगा,
और कालयुगीन सभ्यता इसी में, मतलब इसी में होती है, ठीक है। और दोस्तों अगला है आपका तीसरा नंबर, जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, तीसरा नंबर है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों, ऐतिहासिक काल में, क्योंकि ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य होगा, क्योंकि इतिहास के बारे में जानने के लिए जब लिखित साक्ष्य होगा तो वो ऐतिहासिक काल होगा। इसमें प्रागैतिहासिक में कोई लिखित विवरण नहीं है, लिखित विवरण, लिखित विवरण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित विवरण भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन इसमें जो लिखित विवरण है उसको पढ़ा नहीं जा सका। क्या लिखा है इसको आज तक इतिहास में जो है इतिहासकार पढ़ ही नहीं पाए उसको क्या है। तो इसमें जो है देवनागरी लिपि भी है जिसको आज तक पढ़ा भी नहीं जा सकता, मतलब बहुत सारी लिपियां हैं, तो इनके लेखन भी था लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक काल में लेखन भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, तो ऐतिहासिक में इसको पढ़ा भी जा सकता है। इसको जो है दोस्तों आप बांट सकते हैं वैदिक काल, ऐतिहासिक में आएंगे हम वैदिक काल। वैदिक काल मतलब दोस्तों जिसमें वेदों की रचना होती है, वेदों की रचना होती है, तो वैदिक काल में दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है आपका, एक ऋग वैदिक काल ऋग्वैदिक काल दोस्तों 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना जाता है, और उसके बाद जो है इसमें ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है। और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आपके जो 3 वेद हैं, सामयेज, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उत्तर वैदिक काल में उनकी रचना होती है, और ये माने जाते हैं 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो ये दोस्तों जो है साहित्यिक स्रोत है जिसको इतिहास के बारे में, पौराणिक स्रोत है जिसको आप जान सकते हैं, तो वैदिक काल ये है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जिसको, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी इसमें क्या आ जाता है महाजनपद, 16 महाजनपदों में जो भी आपका महाजनपद है उन महाजनपदों में एक आता है जिसमें महात्मा बुद्ध के वंश जो है उनके उनके पिता हैं, और जो है मगध का साम्राज्य है। तो यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख, और इसके साथ साथ दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में आप जाएंगे तो आपको जो है मगध के बाद जो है मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, आगे और भी इतिहास काल, इतिहास जो मतलब जो है राजा के बारे में विवरण है। तो यानी प्राचीन भारत में ये कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, 600 बीसी से लेकर के 712 ईस्वी तक, 600 बीसी से लेकर के 712 ईस्वी तक आपका प्राचीन इतिहास माना जाता है। और दूसरा आता है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास दोस्तों आपका माना जाता है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। 712 यानी प्रथम अरब आक्रमण जो है, अरब आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पे, सिंध पे, तो इसी के जो है आक्रमण काल से ही जो है मध्यकालीन मान लिया जाता है। इसके बाद महमूद गजनी में आता है, फिर मोहम्मद गोरी आता है, तो वहाँ से जो है फिर कुतुबुद्दीन ऐबक मुगल जो है आपका जो है ममलूक वंश का वो संस्थापक होता है, तो वहाँ से आपका जो है आगे चला जाता है, तो वहाँ से आपका मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है ना।
इसके बाद आपका आता है आधुनिक, आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास कहां से कहां तक माना जाता है? 1707 ईस्वी से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त 1947 तक। तो ये आपका था भारत के इतिहास के बारे में समय विवरण। एक बार जल्दी से इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, भारत का इतिहास के समय विवरण के बारे में तीन भागों में बांटा गया है, लिखित और जो है पुरातात्विक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल दोस्तों 600 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक माना जा, यानी 1947 तक ऐतिहासिक काल वो रहा। तो प्रागैतिहासिक काल में तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इनमें क्या है, पत्थरों का जो है काल है ये। इसके बाद दोस्तों ये क्या है कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसको कोई लिखा नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, सब आदिमानव वगैरह थे। इसके बाद आते ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, जिसमें लिखा था लेकिन कोई पढ़ा नहीं सकता। इसके बाद जो है ऐतिहासिक काल में आपका जो है ऐतिहासिक काल में वैदिक काल आता है, जिसमें वेदों की रचना होती है। इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग देखेंगे तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और फिर मगध जो है उसमें बिम्बिसार से लेकर के आगे चल करके मौर्य वंश का शासक होता है, फिर आगे इस तरह से जाता है। फिर मध्यकालीन भारत यानी मोहम्मद बिन कासिम के पहले आक्रमण से मध्यकालीन भारत मान लिया जाता है, और ये 1707 ईस्वी तक माना जाता है, फिर आधुनिक भारत। तो इस तरह से आपका समय विवरण था। इसको दोस्तों हम विस्तार से एक एक वीडियो में अच्छे से समझेंगे, और दोस्तों आपसे मेरा एक निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा आप लोगों को बता सकें, उनको समझा सकें कि हाँ अब जो है जल्दी से क्लास चालू हो जाए, तो इसलिए सब्सक्राइब कराइए ताकि जल्दी से जल्दी क्लास चालू हो जाए।